इसराइल बहन ने अपना पूरा जीवन गांधी के मूल्यों और आदर्शों को समाज में स्थापित करने के लिए लगा दिया। इसराइल बहन ने कई दशक बस्तर में सेवा करने के बाद वे मेसा हुआ कि यहां वे गांधी आश्रम बनाकर लोगों की सेवा आज भी कर रही हैं, उन्हें प्रकृति से जोड़ रही हैं। शैल बहन के नाम से जानी जाने वाली शैल चौहान ने अपना पूरा जीवन गांधी और विनोबा के मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने और इनके प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया है। पिछले 50 सालों से वे तपस्वी जीवन जी रही हैं। अहिंसा और धर्म निरपेक्षता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। जितना ज्यादा सच का जीवन जिएंगे, सत्य का, तो उसके बाद अपने आप अंदर से एक सुकून आता ही रहता है, क्योंकि सच का जीवन जीने के बाद ज्यादा परेशानियां नहीं रहती हैं। और फिर प्रार्थना है, सत्य का आधार लेकर के असत्य और अहिंसा और प्रार्थना, ये तीन चीजें गांधी जी की मुख्य थी। शैल बहन ने बस्तर में लंबा समय बिताने के बाद बेमेतरा में आश्रम बनवाया। शैल बहन कहते हैं हम इनको। ये गांधी जी और विनोबा जी की विचारधारा से जुड़ी हुई रही हैं हमेशा से, और त्याग तपस्या इनका जीवन का उद्देश्य रहा है। गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर दिया था। शैल बहन ने वनौषधियों के संरक्षण और उसके चिकित्सकीय उपयोग को बढ़ावा दिया। वे जैविक खेती भी कराती आई है। ये जमीन जो है केवल भूषण जी ने दान की थी, उस जमीन पर मैं वनौषधि का संवर्धन और एक नेचर क्योर सेंटर, प्राकृतिक चिकित्सालय यहाँ बने, इसके लिए मैं 70 साल की उम्र में इस जाता गांव में रहने के लिए आई हूँ। शैल बहन 1979 से 2005 तक विनोबा आश्रम में रही, बच्चों को अपने साथ रख कर शिक्षा दिलाई। गांधी आदर्शों से प्रेरणा लेकर उन्होंने मनोहर शिशु केंद्र खोला। उन्होंने विनोबा के भाई शिवाजी भाव पर संस्मरण लिखा, बेमेतरा में गांधी आश्रम की स्थापना की। 20 वर्ष तक बस्तर में आदिवासी महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार गांधीवादी धर्मजीत सैनी के सानिध्य में किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विनोबा जी के प्रवचनों का संकलन किया। 77 में धर्मपाल सैनी से मेरी मुलाकात हुई और उनके माता रुक्मणी सेवा संस्थान में मेरा जाना हुआ, और उनके एक शाखा थी पारसूर में, वहाँ पर मैंने काम किया। तो 77 से अब तक मेरा जो जीवन क्रम है वो गांधी विचार में ही है। गांधी जी के सिद्धांत हैं, उनको लेकर के ही मेरा जीवन क्रम चल रहा है और अंतिम समय तक चलता रहेगा।